जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। रिसेंटली आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कैंटोनमेंट से रिलेटेड। उस न्यूज के बाद कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, जो कि पूछ रहे थे कि सर आईडीईएस सर्विस का क्या फ्यूचर होने वाला है इस न्यूज के बाद। वो न्यूज क्या थी पहले एक बार वो देख लेते हैं। इस तरह की न्यूज आप सभी न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट टू डिसॉल्व ऑल 62 कैंटोनमेंट्स, सेवरल कैंटोनमेंट्स टू बी श्रंक इनटू स्मॉल मिलिट्री स्टेशंस, गवर्नमेंट टू मूव अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंटोनमेंट्स सेंटर एंड कैंटोनमेंट प्रैक्टिस। अब जब ये न्यूज किसी एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने देखी तो अगर उसको थोड़ा सा भी नॉलेज है रिगार्डिंग कैंटोनमेंट तो उसको पता होगा कि इस न्यूज का रिलेशन है कहीं ना कहीं आईडीईएस यानी कि इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू फिल की जाती है उसके साथ। हम पहले यह समझ लेते हैं कि इसका रिलेशन इस सर्विस के साथ है कैसे, उसके बाद थोड़ा इसको टेक्निकली समझेंगे न्यूज को और आपको रियलिटी मैं बताऊंगा रियलिटी असल में है क्या। देखो आप में से कई स्टूडेंट्स को तो पहले कैंटोनमेंट और मिलिट्री स्टेशन में ही फर्क नहीं पता होगा। आप में से बहुत लोग मिलिट्री स्टेशन को भी कैंटोनमेंट बोल देते हो, कुछ लोग कैंटोनमेंट को मिलिट्री स्टेशन बोल देते होंगे। एक अगर कैंटोनमेंट है, मान लो ये कैंटोनमेंट है, हर कैंटोनमेंट में एक सिविल एरिया होता है जिसको मैं सी से डिनोट कर देता हूं। उसको आप ये समझ सकते हो कि वहां सिविलियन लोग रहते हैं, पुराने टाइम के वहां पे आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, शॉप्स दिखेंगी, घर दिखेंगे, तो वो एक सिविलियन एरिया है विद इन अ कैंटोनमेंट। और उस कैंटोनमेंट के अंदर आप मिलिट्री को भी देखते हो, तो जहां पर सिविलियन एरिया होगा उसको हम बोलेंगे कैंटोनमेंट, और जहां पर ये जो सिविलियन एरिया है वो नहीं होगा उसको बोलते हैं मिलिट्री स्टेशन। आप जहां पर भी रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, आपके आसपास कहीं ना कहीं आपको कोई कैंटोनमेंट या मिलिट्री स्टेशन दिखेगा। अब आपको पता चल जाना चाहिए दोनों में डिफरेंस। तो न्यूज बेसिकली क्या ही है कि जो हिमाचल प्रदेश का योल कैंटोनमेंट है उसमें से इस सिविल एरिया को अलग करके जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है उसमें मर्ज कर दिया गया है और इसको एक एक्सक्लूसिव मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया है, एक स्मॉल मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया है। और अगर आप इन न्यूज की हेडलाइंस को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि शायद अब जो बाकी के कैंटोनमेंट्स हैं उनमें भी ये होने वाला है। अब आईडीएस का सर्विस का यहां पे क्या लिंक है, बेसिकली ये जो सिविलियन एरिया होता है किसी भी कैंटोनमेंट के अंदर उसमें जो लोग रह रहे हैं उनका कोई भी वेलफेयर, उनसे रिलेटेड कोई भी आप समझ सकते हो जैसे शहर में म्युनिसिपल बॉडी लोगों का ध्यान रखती है विद रिगार्ड टू लैंड, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, कोई भी चीज आप इमेजिन कर सकते हो अपने से रिलेटेड, प्रॉपर्टी टैक्स, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। कैंटोनमेंट के अंदर सिविलियन एरिया के लिए वो कैंटोनमेंट बोर्ड देखता है, एक बॉडी होती है कैंटोनमेंट बोर्ड, वो देखती है। तो उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते किस लेवल की फैसिलिटीज इस पोस्ट पे दी जाती हैं, किस लेवल की आपको अथॉरिटी फील होती है। तो वो जो ऑफिसर होता है वो होता है आईडीईएस ऑफिसर। जिस लेवल की फैसिलिटीज और अथॉरिटी आप इस पोस्ट पे फील करते हो वो आईएएस आईपीएस के अलावा, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं, आईएएस आईपीएस के अलावा सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू जो बाकी की सर्विसेज रिक्रूट की जाती हैं उसमें कभी भी फील नहीं करते हो। यही एक आईडीएस ऑफिसर की बड़ी एक चार्म वाली पोस्ट है जिसके बारे में बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता है। इसीलिए कुछ बच्चों की क्वेरी आई है कि सर इस न्यूज के बाद क्या आईडीईएस की सर्विस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, फ्यूचर क्या आईडीएस की सर्विस का, जो एक इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है अगर वही खत्म हो गई तो क्या फ्यूचर है आईडीएस सर्विस का। आज के सेशन में उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। पहले तो ये जो न्यूज आई है इसमें ही थोड़ी मैं कहूंगा गड़बड़ है। कुछ न्यूज में तो फैक्ट्स बिल्कुल प्रिसाइजली बताए हुए हैं, कुछ के अंदर जो हेडलाइन है वो बड़ी मिसगाइडिंग सी है। अभी हम एक न्यूज का कंटेंट यहां देख रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। पहले तो इसमें बताया कि योल कैंटोनमेंट जो हिमाचल प्रदेश में था वो पहला कैंटोनमेंट बन गया है जिसका जो सिविलियन एरिया है वो लोकल म्युनिसिपैलिटी के साथ मर्ज कर दिया गया है। इससे पहले 62 कैंटोनमेंट्स थे हमारी कंट्री में, अब 61 कैंटोनमेंट रह गए हैं। अब इस न्यूज में यह भी बताया गया जो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट है जो हैदराबाद सिटी के बिल्कुल साथ है, एक वो कैंटोनमेंट और एक नसीराबाद कैंटोनमेंट जो कि राजस्थान में है, वहां पर भी इस तरह का आगे इन फ्यूचर एक्शन लिया जा सकता है। अब आगे इस न्यूज में यह भी मेंशन किया गया है कि यह चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक कैंटोनमेंट के लिए। क्यों नहीं पॉसिबल है,
मान लो ये एक कैंटोनमेंट की बाउंड्री है। अब अगर तो सिविलियन एरिया बाउंड्री के पास है कहीं पे भी, उसके बाहर आपको पता है सिटी होता है, तो उस केस में तो ठीक है आप ये कह दोगे ठीक है अभी तक अगर कैंटोनमेंट की बाउंड्री यहां तक थी, अब इस बाउंड्री को ऐसे कर दो और इसको सिटी में मर्ज कर दो, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बट मान लो अगर ये सिविलियन एरिया सेंटर में है, बीच में कहीं है, तो उस केस के अंदर जब कॉन्टिन्यूटी ही नहीं होगी और आसपास आप समझ सकते हो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो कैसे आप इस चीज को एक कंटिन्यूटी के अंदर सिटी के साथ मर्ज करोगे। सो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सडनली अब जरूरत क्या पड़ी इसको मर्ज करने के लिए, उस सब का आंसर भी अभी हम इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में, सबसे पहले है व्हाई इज इट बीइंग डन, ये किया क्यों जा रहा है। मल्टीपल रीजंस हैं। अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मिलिट्री की तरफ से पॉइंट ये था कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं कैंटोनमेंट के अंदर, वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन भी है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से एक सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, क्योंकि मिलिट्री स्टेशन के अंदर तो मिलिट्री फिर भी कंट्रोल कर सकती है कि ठीक है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अगर कोई जा रहा है तो अपना आईडी जमा करवा के जाए। बट कैंटोनमेंट जिसके अंदर सिविलियन लोग रहते हैं, जिनका सिटी के अंदर आना जाना लगा रहता है, जो भी एडजॉइनिंग सिटी होगा, तो वहां पर इस तरह का कंट्रोल रखना मुश्किल होता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाता है। सो उनका पॉइंट ये था, अगर हम सिविलियन लोग जो कैंटोनमेंट के अंदर रहते हैं उनकी बात करें, उनकी तरफ से भी ये डिमांड थी कि हमें जो एक स्टेट के वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट होते हैं वो नहीं मिलते, क्योंकि स्टेट वाले कहते हैं कि ये कैंटोनमेंट में रहते हैं और कैंटोनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, सो स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स इनको नहीं मिलेंगी, और सेंटर की तरफ से भी उनको उतने बेनिफिट नहीं मिल पाते थे क्योंकि सेंटर वाले कहते थे कि आप स्टेट के अंदर आते हो। तो इस वजह से, इस एम्बिग्यूटी की वजह से कहीं ना कहीं वहां के सिविलियन लोग सफर करते थे। उसके अलावा भी अगर हम देखें, अगर एक सिटी की जो म्युनिसिपल बॉडी होती है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स को लेके, या आपने मान लो अपनी रेनोवेशन करनी है घर के अंदर, अपना घर बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। बट कैंटोनमेंट के अंदर जो कैंटोनमेंट बोर्ड इन चीजों को रेगुलेट करता है, वहां पर जो रूल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वहां पर अगर आपको एक थोड़ा सा भी रेनोवेशन करना है तो उसके लिए भी आपको बड़ा ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर बीइंग अ मिलिट्री एरिया बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो एक तो ये कारण था कि डिमांड थी मिलिट्री की तरफ से, सिविलियन की तरफ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है, व्हाट वुड हैपन टू द स्टाफ ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड का स्टाफ है वो यूजुअली उसी कैंटोनमेंट के अंदर ही रहता है। जैसे सीईओ है, वो तो एक ट्रांसफरेबल पोस्ट है ऑल इंडिया लेवल के बेसिस पे, बट जो उनका स्टाफ होता है वो उसी कैंटोनमेंट में ही रहता है, मतलब उस स्टेशन से बाहर उसकी यूजुअली पोस्टिंग नहीं होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा अगर इसका मर्ज कर रहे हैं जिन जिन कैंटोनमेंट्स के अंदर, उस केस के अंदर स्टाफ को जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, ऐसा प्रपोजल है सेंटर की तरफ से। मतलब दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए इस चीज के लिए डेफिनेटली, तो इस लाइंस के ऊपर इसको आगे प्रोसेस किया जा रहा है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सारे के सारे कैंटोनमेंट्स में ये चीज करना इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल लग रहा है आज की डेट में। एक और चीज, ये जो योल कैंटोनमेंट का भी आज आप न्यूज में देख रहे हो, ये प्रपोजल बहुत सालों से चल रहा है, ये आज का नहीं चल रहा है, पिछले कई सालों से एक्सरसाइज चल रही है, अभी आपने न्यूज में देखा है। सो एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है। सो कुछ कैंटोनमेंट्स में अगर ये चीज होगी भी तो उनमें कुछ साल लग जाएंगे, और सभी कैंटोनमेंट्स में हम इसको होता हुआ नहीं देख रहे हैं। सो पहली बात तो सीईओ की पोस्ट मेंटेन रहेगी जिन जिन कैंटोनमेंट्स में ये प्रोसेस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन एक और आ जाता है कि फ्यूचर ऑफ आईडीएस सर्विस है क्या। अब ये जानने के लिए आपको आईडीएस सर्विस का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। वैसे मैंने इस सर्विस के ऊपर एक डिटेल्ड सेशन ऑलरेडी बनाया था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। अगर हम फील्ड पोस्टिंग्स की बात करें, जो इनिशियल आपके करियर में आपकी पोस्टिंग्स होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, जो कि आप कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर लगते हो, जैसा हमने डिस्कस किया। दूसरी होती है डिफेंस एस्टेट्स ऑफिसर की। अब इस पोस्टिंग का रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस हम समझते हैं। हमारा यूजुअली ध्यान उन चीजों पर जाता है जो बड़ी अट्रैक्टिव सी हो, जहां तामझाम हो। तामझाम आपको ज्यादा दिखता है सीईओ के अंदर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, जो ऐसी पोस्टिंग होती है जहां पर तामझाम तो कंपैरेटिवली कम होगा, बट
उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा होगी, तो वो नहीं हम देखेंगे, क्योंकि हमें तो ऑफिस के बाहर का काम जहां देखना है, हमने ऑफिस के अंदर जो बैठ के ऑफिसर काम कर रहा है उसकी तरफ तो हम ध्यान देते नहीं है। सो समझते हैं थोड़ा सा। देखो अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो पूरे इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो लैंड है उसका जो लगभग एरिया है वो है 17.95 लाख एकर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे ज्यादा लैंड होल्ड करती है अपने अंडर, अगर हम सारी मिनिस्ट्रीज की बात करें, उसके बाद आप कह सकते हो रेलवे का नंबर आता है, बट सबसे ज्यादा जो लैंड होल्डिंग है वो एमओडी के अंडर है। अब इसमें से अगर हम कैंटोनमेंट्स की बात करें कि कितनी जमीन कैंटोनमेंट्स, जो अभी हमने कहा योल कैंट से, जब अभी योल कैंट का सिविलियन एरिया मर्ज नहीं किया था तो 62 कैंटोनमेंट्स थे, तो उसमें जो टोटल लैंड विद इन द बाउंड्री ऑफ कैंटोनमेंट्स है वो है लगभग सिर्फ 1.6 लाख एकर्स इतने में से, और जो रिमेनिंग 16.35 लाख एकर्स है वो है आउटसाइड कैंटोनमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि सीईओ की जो बेसिक फंक्शनिंग रहती है वो कैंटोनमेंट के अंदर अंदर रहती है, कैंटोनमेंट के बाहर सीईओ की पावर नहीं होती, कैंटोनमेंट के अंदर अंदर होती है, और कैंटोनमेंट के अंदर भी इट इज मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू सिविलियन एरिया जिसकी अभी हमने बात की थी। यहां मैं बोल रहा हूं कि पूरे कैंटोनमेंट के अंदर इतनी जमीन है और उसका भी एक छोटा पार्ट होता है सिविलियन एरिया, तो आप समझ सकते हो कि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो टोटल एरिया के रेफरेंस में तो बहुत कम एरिया है, और उसमें से भी सारा का सारा बाहर नहीं जाएगा। तो मेजर जो आप चंक देख रहे हो, इतना बड़ा चंक ये जो कैंटोनमेंट्स के बाहर है, और जो रिमेनिंग कैंटोनमेंट के अंदर भी जमीन है जो सिविलियन एरिया के अलावा है, उस सारी की सारी मैनेजमेंट को कौन देखता है? डिफेंस स्टेट्स ऑफिसर। अब आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। डिफेंस स्टेट ऑफिसर के काम क्या होते हैं? कोई भी डिफेंस पर्पस के लिए अगर हमारी कंट्री के अंदर लैंड एक्वायर होगी तो वो इस ऑफिस के थ्रू ही होगी। कोई लैंड का, डिफेंस लैंड का सर्वे होगा तो ये ऑफिस ही करेगा। उसके बाद जो भी बंगलोज आप देखते हो कैंटोनमेंट के अंदर, अब आपको लगेगा कि बंगलों में तो सिविलियन लोग रहते हैं तो वो तो सिविलियन एरिया होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। सिविलियन एरिया अगर आप यूजुअली देखोगे तो बड़ा कंजस्टेड सा होता है किसी भी कैंटोनमेंट के अंदर, पुरानी टाइप की आपको छोटी छोटी शॉप्स दिखेंगी, छोटे छोटे घर दिखेंगे, मोस्टली वही सिविलियन एरिया होता है। जो आप बड़े बड़े बंगले देखते हो जहां पे किसी किसी आप कैंटोनमेंट में देखते हो वीवीआईपी लोग रह रहे हैं, उसमें चाहे सिविलियन रह रहे हैं बट उसकी जो मैनेजमेंट है उस वहां की लैंड की मैनेजमेंट कि कोई वायोलेशन तो नहीं हो रहा है, जो भी लीज वगैरह साइन होनी है वो सारी की सारी डीओ के ऑफिस से ही होती है। सारा का सारा जो लैंड रिकॉर्ड है, डिफेंस लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन उसकी इस ऑफिस के अंदर ही होती है। कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जमीन पर एनक्रोचमेंट होगा तो जो जमीन डीओ के मैनेजमेंट में आएगी तो उसके ऊपर पब्लिक प्रिमाइसेस एविक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करके उस एनक्रोचमेंट को हटाना भी डीओ का ही काम है। उसके बाद कोई भी मान लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जमीन पर एक नया प्रोजेक्ट होना है, आर्मी एयरफोर्स ने कोई नया प्रोजेक्ट करना है तो उस प्रोजेक्ट की साइड पे मान लो ट्रीज हैं तो उन ट्रीज की ऑक्शनिंग का जो सारा का सारा प्रोसेस है वो भी डीओ के ऑफिस से ही होगा। उसके बाद जितने भी लैंड लिटिगेशन है, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डीओ के ऑफिस का, जितने भी लैंड से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैंड से रिलेटेड जितने भी केसेस चल रहे हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सारे के सारे डीओ का ऑफिस ही देखता है। सो आप समझ सकते हो कि डीओ का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैंड है उसको एक तरह से मैनेज करके रखना, उसको सिक्योर करके रखना। बहुत अच्छे लेवल का आपको एक्सपोजर मिलता है, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर सीईओ की पोस्ट में नहीं आएगी जितनी कि डीओ के पोस्ट में आएगी, क्योंकि यहां पर आप फील करोगे कि काफी हाई लेवल का जो काम है वो मैं फेस कर रहा हूं। बट यस, तामझाम की जो शोशेबाजी की कमी है वो यहां पे दिखेगी इन कंपैरिजन टू सीईओ की पोस्ट। बेसिक फैसिलिटीज एंड पर्क्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं, और इन सर्विसेज में रहते हुए आपका जो डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो जो आप एक चाहते होते हो कि सोसाइटी में मुझे रिस्पेक्ट मिले, एक रिकॉग्निशन मिले, वो मिलती है। सो अगर ये न्यूज़ जो अभी हमने देखी है, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं वर्स्ट के सिनेरियो ले रहा हूँ कि बहुत सालों के बाद सारे के सारे कैंटोनमेंट्स मान लो इस तरह से मर्ज भी कर दिए जाते हैं, उनका सिविलियन एरिया मर्ज भी कर दिया जाता है,
तो भी ये जो फंक्शनिंग है ये कहीं नहीं जाने वाली है, तो IDES रहेगी रहेगी। और वो मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, सारे के सारे कैंटोनमेंट्स पहली बात तो होंगे नहीं, और कुछ जो होंगे उनमें भी अभी काफी टाइम लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको क्लैरिटी हो गई है। आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो जो हेडलाइन पढ़ के एक कंक्लूजन निकाल लेते हो, कंटेंट पढ़ते नहीं हो। अगर आप ध्यान से कुछ अच्छी न्यूज़ को पढ़ते इस टॉपिक से रिलेटेड, तो शायद आपको क्लैरिटी हो भी जाती। बट एनी हाउ, आज के सेशन से आपको IDE सर्विस का एक सिग्निफिकेंस भी समझ आ गया होगा। सो अगर आपका टेम्परामेंट इस तरह के काम का है, तो आप देख सकते हो कि मुझे सर्विस प्रेफरेंस ऑर्डर में फॉर्म फिल करते हुए इसको कहाँ पर प्लेस करना है। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।